ओके ऑल राइट, ओके ऑल राइट, वेरी गुड फ्रेंड। तो वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करता हूँ सब ठीक होगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो सेकंड पार्ट होने वाला है किसका, जो मेरी प्रीवियस वीडियो का, राइट? इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो। ओके, वो क्या थी? पीजीटी के लिए थी, और उसमें क्या था, एंजाइम कैटलिस्ट की हम बात कर रहे थे। ओके, जो हमारे एंजाइम के जो कैटलिस्ट थे हम उनकी बात कर रहे थे। ओके, तो उसमें हमने जाना था कि कौन सा एंजाइम जो है किसके लिए कन्वर्ट करने में हेल्पफुल है। ओके, तो उसमें हमने सिर्फ थ्योरेटिकल समझा था, इसमें हम क्वेश्चन वाइज समझेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग होनी है हमारी, ठीक है? तो ये क्या है, हमारा एंजाइम कैटलिस्ट की रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, सबसे पहले क्या है हमारा, नाउ इफ यू कैन सी हेयर वेरी केयरफुली। ओके ओके, या यहाँ पे ये एंजाइम कैटलिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताना है आपको, इसमें बताना है कि क्या होगा, एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, क्या होते हैं वो, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये आप उसमें मेरी वीडियो में देखेंगे, आप यहाँ पे देख पाओगे, क्या देख पाओगे कि यहाँ पे एक आई बटन होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वहाँ पे आपको पूरी जो एंजाइम की थी, कौन सा एंजाइम किसके लिए क्या कर रहा था, ग्लूकोज को, और क्या करेंगे हमारा स्टार्च को माल्टोज में, माल्टोज को स्टार्च में, किस में क्या कर रहे हैं, वो हम उसमें देख चुके थे, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और हमारा देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा थ्री, हिटोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है? तो एंजाइम जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह क्या करते हैं, एक्ट एज ए हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। या मैं थोड़ा इसको यहाँ करता हूँ। ओके, ये एग्जाम्पल मैंने कहाँ से लिया है? ओके, ये यूपी पीसीएस से आया है, प्री हमारा है ये 2003 का, ठीक है? और 2009 में ये बेसिकली, अगर मैंने वो पहली वीडियो बनाई, अगर आप उसको ही देख लोगे, तो उससे कोई भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, ठीक है? मतलब कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं होगा जो कि उसमें नहीं बताया गया है। ओके, अगर आप उसको देख जाओगे तो हमारा सारा का सारा मटेरियल इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, द एंजाइम विच कैन कैटलाइज द इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल, ठीक है? मतलब हमको बताना है एथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है ग्लूकोज को, तो किसके अकॉर्डिंग होता है वो, किसके द्वारा होता है वो हमारा, किसके द्वारा होता है बताइए, जाइमेज के, किसके, जाइमेज के। ओके, वो किसके थ्रू होता है, जाइमेज के। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, या दिस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि ग्लूकोज का जो हो रहा है एथेनॉल में कन्वर्जन, वो किसके द्वारा हो रहा है हमारा, जाइमेज के। ओके, किसके, जाइमेज के, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट गिव्स, मतलब जब हम फैट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब क्या होगा वो, तब हमें देगा वो हमारा ग्लिसरॉल, क्या देगा हमको, ठीक है? या हम बोल सकते हैं ग्लिसरॉल किससे फाउंड आउट होते हैं, ग्लिसरॉल फाइंड आउट होते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट। ओके, जब हम फैट का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें फाइंड आउट होगा ग्लिसरॉल। ओके, और ये लाइपेज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? अगर इसका एंजाइम की बात करें तो लाइपेज, इसके एग्जाम्पल भी हमने दे रखे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, या ये क्या है हमारा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। अब क्या है, ये भी कहाँ है, यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ये प्री में 2011 में, और ये क्या आपका प्रवक्ता चयन परीक्षा में 2002 में पूछा गया है, ठीक है? 2001 के बाद 2002 में, राइट? ओके, तो इसमें क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इन्वॉल्व द यूज ऑफ एंजाइम, ठीक है? मतलब ये वही बता रहे हैं कि जब हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तब हमें कौन सा एंजाइम हम लेंगे। ओके, तब हम कौन सा एंजाइम लेंगे, ठीक है? तो वो बेसिकली करता किस में, वो करता तो है हमें माल्टोज में, करता किस में, माल्टोज में। बट हमको अगर एंजाइम की बात करनी है, हमें कौन सा एंजाइम लेना है, कौन सा कैटलिस्ट लेना है, तो कैटलिस्ट चाहिए हमको डाइस्टेज, मतलब ऑप्शन डी। ओके,
तो ये क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। तो इसका ऑप्शन ये हमारा ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो ये क्या है, द बायो कैटलिस्ट आर, तो बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड क्या होते हैं आपके एंजाइम्स एंड मिनरल, तो आपको उसमें बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हम बता चुके हैं एंजाइम्स ये कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो बायो और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो नाइट्रोजन के हाई मॉलिकुलर वेट के कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई मॉलिकुलर वेट के क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जो किस में होते हैं वो लिविंग सेल्स में फाइंड आउट होते हैं। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, और क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा एंजाइम। ओके तो बायो कैटलिस्ट क्या होंगे, बायो कैटलिस्ट आर एंजाइम्स। ओके देन आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज ओके स्टार्च, स्टार्च इज कन्वर्टेड टू माल्टोज बाई एंजाइम, ठीक है। तो इस स्टार्च को हम माल्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके स्टार्च को हम माल्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, ओके हाँ ये क्या था, स्टार्च के जल अपघटन से, ठीक है। अब वही बता वही वही चीज़ है इसमें, ये इसमें क्या है कि स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं हम, ओके इसका भी कन्वर्ट कर रहे हैं माल्टोज में। मैंने बताया था स्टार्च का माल्टोज में करते हैं तब क्या होता है हमारा डाइस्टेज, ओके तब क्या होता है हमारा डाइस्टेज। तो देयर इज द राइट आंसर, ओके दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके तो इसका क्या होगा डाइस्टेज, तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट ऑप्शन पे टिक करते हैं। ओके व्हाट इज दिस, ओके सॉरी या इसके लिए ये ऑप्शन हो गया हमारा, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा या ओके तो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है एज अ एंजाइम जाइमेज इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि क्या करता था, ये ग्लूकोज से एल्कोहल में कन्वर्ट करता था जाइमेज, ओके जाइमेज जाइमेज को हम एल्कोहल में प्राप्त कर सकते हैं, ओके एल्कोहल का हमें प्रोडक्ट मिल सकता है, कब, जब हम जाइमेज एंजाइम यूज करें या जाइमेज एंजाइम यूज करें एज ए कैटलिस्ट। ओके तो इसके लिए क्या होगा हमारा ऑप्शन ये, ओके ये तो हमसे धोखे से हो गया था तो ये नहीं है, ओके तो इसको नहीं करेंगे। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, द एंजाइम देखिए बहुत अच्छा है, ओह रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। द एंजाइम जाइमेज ये तो हमको देख ही चुके, क्या है कि हमारा इसका ऑप्शन है हमारा एल्कोहल, ओके क्या है इसका ऑप्शन एल्कोहल, ओके देन ओके या अब क्या है यहाँ पे, अब हम देखेंगे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, अब आप बता सकते हो इसमें क्या है, ग्लूकोज को हमने देखा था वो अभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये जाइमेज, जाइमेज से हमने किस में कर दिया एल्कोहल को, ठीक है जाइमेज को किस में कर दिया एल्कोहल, जाइमेज से ठीक है एल्कोहल कर दिया, तो यहाँ पे क्या है ये हमारा या ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है, और दूसरा क्या है हमारा माल्टोज इज हाइड्रोलाइसिस, माल्टोज बेसिकली माल्टेज माल्टेज और माल्टोज क्या है, माल्टेज इज एंजाइम एंड माल्टोज माल्टोज क्या है, माल्टोज इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बट वो कार्बोहाइड्रेट है, राइट क्या है ये हमारा माल्टोज क्या है कार्बोहाइड्रेट, ओके जैसे हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज और क्या थे सुक्रोज थे, ऐसे ही क्या है हमारा माल्टोज है, और बस माल्टेज क्या है माल्टेज इज एंजाइम, ठीक है। तो माल्टोज इज हाइड्रोलाइसिस टू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा इसमें हमारा, बता सकते हैं आप जी बताइए माल्टेज, ओके किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, ओके एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस या द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड टू फैट कैटलिस्ट वाई, ठीक है। इसमें क्या है जो हम फैटी एसिड जो हमारा था वो ग्लिसरॉल जो मिल रहे थे हमको, तो फैटी एसिड से ग्लिसरॉल मिल रहे थे, ओके तो वो क्या था उसमें हमारा जो एंजाइम था वो था हमारा लाइपेज, क्या था एंजाइम लाइपेज, ठीक है। आप इसको इस वीडियो को तो देखने का मतलब तभी है जब आपने उस पहली वाली वीडियो को देख रखा है, ठीक है। अगर आपने पहली वाली वीडियो को देख रखा है तभी आप इसको आप देखते ही करते जाएंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एंजाइम कैटलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटरोजीनियस कैटलिस्ट, ओके ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। एंड एंजाइम्स आर क्या बताया था मैंने, जो एंजाइम्स जो होते हैं
वो नाइट्रोजन के हाई मॉलिकुलर वेट के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और वो किसमें प्रेजेंस होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स, ओके, दे प्रोड्यूस बाई द लिविंग सेल्स, ओके, और वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, क्या होते हैं वो, प्रोटीन्स। तो यहाँ पे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, वो हमारे प्रोटीन्स, ओके, जैसे लाइपेज और प्रो, और ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। हाँ, विच वन ऑफ द एंजाइम्स फॉलोइंग इज एन एग्जाम, एंजाइम, इनमें बताना है कि हमको एंजाइम कौन सा है, ओके। तो इसका इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसका है हमारा प्रोटीन, एंड एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम, ओके। तो इसमें क्या बताना है हमको, एंजाइम, ठीक है। तो आप इसको देख के बता सकते हैं ये क्या है हमारा, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट होता है खमीर, जो कि एक सोर्स होता है, बट ये एंजाइम नहीं है। और थर्ड क्या है, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज क्या है, ये भी हमारी एक एंजाइम नहीं है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। एंड देन द, और देखो एंजाइम के लिए एक क्या मतलब बेसिकली कुछ ही एक्सेप्शन केस हैं, बट उसमें क्या होता है, जितने भी एंजाइम होंगे उनके लास्ट में क्या होगा, है हमको यहाँ पे एस मिलेगा, ए ए एस ई, ओके, ए एस ई मिलेगा, ठीक है। तो आप इससे क्या समझ जाओगे कि दिस इज अ एंजाइम, ओके। तो ये क्लियर, हाँ ठीक है। तो ये क्या है हमारा सेल्यूलोज, क्या है सेल्यूलोज, भी क्या वो नहीं है हमारा एंजाइम, बट डाइस्टेज इज ए एंजाइम, ओके। तो अब देखते हैं क्या है आगे, स्टार्च इज कन्वर्टेड इंटू माल्टोज बाई द डाइस्टेज, ओके, माल्टोज इज कन्वर्टेड इन द एंजाइम इन, ओके, डाइस्टेज हो गया, इसमें क्या हो गया, और हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो हम आपको अच्छी लगी होगी, और ये इस अगर आपने इस वीडियो से और पहली वीडियो को सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें से आपको एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे वो PGT हो, चाहे वो GIC का हो, या क्या हो आपके नीट का हो, या क्या हो सकता है वो मतलब जैसे भी ये एंजाइम कैटलिस्ट वाली रिएक्शन उसमें पूछी जाए, उनमें से इससे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता, ठीक है, फर्स्ट वीडियो एंड दिस वीडियो, ओके। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक।